हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का न्यू ओवरटेक में स्वागत है। दोस्तों, आप सभी के लिए बहुत ही बड़ी खबर है। हमारे पास काफ़ी सारे कमेंट्स आ रहे हैं, बहुत सारे बच्चों ने हमें कमेंट्स किए हैं हमारे पिछले वीडियोस के अंदर, और हमसे पूछा जा रहा है कि सर हमें बताएं एफसीआई की तरफ से जो रिक्रूटमेंट निकाली जा रही है साल 2020 की 4103 पदों पर, क्या ये रियल है या फेक है। जी हाँ दोस्तों, ये नोटिफिकेशन हमारे पास भेजा है किसी कैंडिडेट्स ने और हमसे पूछा है कि ये रियल है या फेक है। तो दोस्तों, हम आपको बता देंगे इसकी सच्चाई के बारे में इस वीडियो के अंदर, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, आपको बताएंगे कि फेक है या रियल है। जी हाँ दोस्तों, भारतीय खाद्य निगम की तरफ से नोटिफिकेशन जारी किया गया है या नहीं किया गया है, पूरी सच्चाई पूरी जानकारी आपको मिलेगी, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। तो चलिए आपको फटाफट से बताते हैं। दोस्तों, सबसे पहले आपको बता दें ये जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है टोटली फेक नोटिफिकेशन है। जी हां दोस्तों, दूर दूर तक एफसीआई की ऑफिशियल वेबसाइट पर इस नोटिफिकेशन का बिल्कुल भी जिक्र नहीं किया गया है। आपको बता दें ये पुरानी वैकेंसी का नोटिफिकेशन है जिसको यहां पर एडिट करके यहां पर इसको रीअपलोड किया गया है और रीओपन वैकेंसी यहां पर शो कर रहा है। जी हां दोस्तों, आपको बता दें ये कोई भी वैकेंसी जारी नहीं की गई है। आप सभी को बता दें इसके लिए बिल्कुल भी अप्लाई मत कीजिएगा। जी हां दोस्तों, एफसीआई खाद यहां पर आप देखते हैं भारतीय खाद निगम की ऑफिशियल वेबसाइट है, यहां पर आप जाकर के ही यहां पर चेक करें कि कोई वैकेंसी आई है या नहीं आई है। ये रियल वेबसाइट है, ठीक है। और एफसीआई की इस ऑफिशियल वेबसाइट की डमी काफी सारी सोशल मीडिया पर आपको देखने को मिल जाएगी, तो आप फेक वेबसाइट पर ना जाएं। सरकार की जो भी वेबसाइट होती है रियल वेबसाइट, आपको बता दें जहां पर gov.in लिखा हुआ होता है वो ही सरकार की ऑफिशियल वेबसाइट होती है, तो वहीं पर ही जाकर के आप अप्लाई कीजिएगा। जी हां दोस्तों, हमने आपको हमारी वेबसाइट के माध्यम से भी एक पोस्ट डाल करके आपको अपडेट किया है एफसीआई रिक्रूटमेंट 2020 के बारे में, जो कि फेक जॉब है, इसके लिए आप बिल्कुल भी अप्लाई मत कीजिएगा। जी हां दोस्तों, हमने आपको इसलिए अपडेट किया है क्योंकि यहां पर एप्लीकेशन फीस भी मांगा जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, एप्लीकेशन फीस भी यहां पर मांगा जा रहा है, आप सभी से यहां पर ठगी भी हो सकती है, तो आप प्लीज इस वैकेंसी के लिए अप्लाई मत कीजिएगा। यहां पर अगर आपने अप्लाई किया तो आपसे पैसे भी लिए जाएंगे और डायरेक्ट यहां पर सबमिट भी हो रहा है, आपको यहां पर कोई भी आगे ऑप्शन नहीं आएगा, आपका पैसा गड्ढे में जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, आप इसके पीछे टाइम भी वेस्ट कर देंगे। यहां पर बताया जा रहा है ये जो वैकेंसी है ऑल ओवर इंडिया की वैकेंसी बताई जा रही है, एज लिमिट भी यहां पर बताया जा रहा है, सैलरी भी यहां पर काफी अच्छी बताई जा रही है और 4103 पदों पर ये भर्ती बताई जा रही है। तो हमने आप सभी के लिए बहुत ही बड़ी अपडेट है, जो कि हमारे पास काफी सारे सवाल आ रहे थे कि सर हमें बताएं एफसीआई की वैकेंसीज है जो चल रही है ये आवेदन कर सके या नहीं कर सके। यहां पर 19 फरवरी भी बताया जा रहा है कि लास्ट डेट 19 फरवरी है, तो दोस्तों इस वैकेंसी के लिए बिल्कुल भी अप्लाई मत कीजिएगा, क्योंकि ये जो वैकेंसी है एफसीआई की 4103 पदों पर जेई की टाइपिस्ट की जो वैकेंसी निकाली जा रही है स्टेनो की, ये बिल्कुल ही फेक है, ठीक है दोस्तों। तो ये फेक वैकेंसी है, इसके लिए आप अप्लाई बिल्कुल भी मत कीजिएगा। और ये जो वीडियो है इसको ज्यादा अपने सभी दोस्तों के साथ सभी ग्रुप में शेयर कीजिएगा, क्योंकि आपके कई दोस्त हैं जिन्होंने इसको अप्लाई भी किया होगा या कब करने वाले होंगे, तो उनको भी जानकारी मिलेगी ताकि वो भी अपना समय और पैसा बर्बाद करने से बच सकें। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।